उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मक्खनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चार साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी फिरोजाबाद सचिंद्र पटेल और एसपी ग्रामीण राजेश कुमार के निर्देशन में कुछ दिन पूर्व हुई लूट के अनावरण के आदेश मक्खनपुर पुलिस टीम को दिए गए थे, जिसके बाद कल रात को पुलिस ने इस गिरोह के चार अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जबकि दो अभी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इनके कब्जे से एक टाटा 407, एक तमंचा 32 बोर, एक तमंचा 315 बोर और एक टॉवर मशीन बरामद की है। एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस घटनाक्रम का खुलासा किया है। फिरोजाबाद से सौराज सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। थाना मक्खनपुर में 30 अप्रैल को रात 10 बजे हाईवे पे एक घटना हुई थी, जिसमें सेंट्रो सवार बदमाशों ने एक टाटा 407 लूट लिया था। टाटा 407 में एसएमपीएस मशीन जो मोबाइल टावर्स में लगती है वो लोड था, उसके सहित लूट लिया था। उसका खुलासा किया मक्खनपुर पुलिस ने। इसमें चार बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, दो अभी शेष है जिनकी गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं। जो लूटा हुआ टाटा 407 ट्रक थी वो बरामद हुआ है, वो एसएमपीएस मशीन बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में पता लगा कि एक सातिर किस्म के अपराधी हैं, इनका गिरोह है और ये हाईवे पे लूट करते हैं। चार पहिया वाहन से अपने, चाहे सेंट्रो से चाहे बैगनार से जाते हैं और तमंचे लगा के ड्राइवर को किनारे करके उनसे उनकी गाड़ी लूट लेते हैं। ये गाड़ी का जो इस्तेमाल होना था, ये मैनपुरी में गाड़ी इस्तेमाल करनी थी, इसमें आढ़तियों ने गाड़ी खरीद ली थी जिससे उनको अपना आढ़त का सामान मंगाना था, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया। अब तक कितने लूटे गए? इसमें करीब 1.5 दर्जन लूटे। इसमें जो सरगना है संजय, उसके ऊपर 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत है, बाकी के भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। बगल के जनपद आगरा मैनपुरी में भी इन्होंने तमाम लूट के अपराध किया है, जिनके बारे में पता किया जा रहा है। कोई फरार भी है इसमें? दो अभी शेष है जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास बहुत तेजी से हो रहा है और इस पूरी टीम को जो इसने तत्पर